आपने इतना काम किया सुधा जी, तो आपका अगर मैं कहूँ सबसे फेवरेट शो या फिर कोई को स्टार जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो काम करते हुए? मैं वैसे अपने रोज में ढूंढती हूँ को एक्टर्स, मेरे साथ बहुत अच्छे जुड़ जाते हैं। आई बी वेरी लकी दैट वे, कभी किसी के साथ आज तक तो टच ऑलमोस्ट 30 इयर्स कभी किसी के साथ कोई पंगा नहीं हुआ है। आई पर्सनली फील कि बाकी एक्टर्स क्या है ये मायने नहीं रखता, हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, हम हमारा रिलेशन उनके साथ कैसा है। और अगर आप मुझे देखेंगे तो ज़्यादातर मैं मिक्स नहीं होती हूँ, अपने रूम में बैठती हूँ, वैनिटी वैन में बैठती हूँ, बट येस ऑन द सेट्स आई एम वेरी क्लोज टू देम, बट प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत अपना एक क्लियर डिमार्केशन मैंने रखा है। आपको लगता है कि आपकी जो हम बॉलीवुड में वो फिल्में देखते हैं वो एज इट इज आती हैं या फिर चेंज होकर बहुत कुछ उनमें अलग हो जाता है? नहीं, जब आप साउथ की फिल्में करते हो कहीं ना कहीं वो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी बॉलीवुड अगर आप देखेंगे तो यू आर केटरिंग टू द एंटायर इंडिया, यू आर केटरिंग टू द वर्ल्ड, बट जब आप साउथ की फिल्में करते हो तो साउथ मसाला मतलब उस रीजन जो पर्टेन करता है, वहाँ का जो कल्चर है वो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। बट आज मैं देख रही हूँ कि जितनी भी साउथ फिल्में या तो रीमेक सुपर हिट्स है या जब वो डब हो गए, मतलब मेरे जितने भी स्टाफ हैं वो सिर्फ डब फिल्म में देखते हैं। उनको बड़ा मजा आता है कि जब बुलेट रजनीकांत बुलेट फायर करते हैं और चार दिशाओं में उड़ के फिर वापस आके ज्वाइन होता है तो लोग ताली बजाती है। अभी पिछले दिनों साउथ इंडस्ट्री को लेके बहुत काफ़ी कुछ हुआ कि वहाँ की एक्ट्रेस मोटी होती हैं, वहाँ काम करने के लिए मोटा होना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है क्योंकि आप वहाँ की हैं और आप काम यहाँ पे करती हैं, यहाँ पे इतनी पॉपुलर हैं, आपको लगता है कि वाकई में ये सच है? हश-पुश लड़कियाँ वहाँ लोग पसंद करते हैं, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट साउथ। अगर आप पंजाबी जाएंगे तो लोगों को अच्छा ही लगता है, अगर आप गुजरात जाते हैं तब भी लोगों को अच्छा लगता है, एंड पीपल ऑलवेज लव द इंडियन बॉडी। बट ये कहना भी गलत होगा बिकॉज अगर आप सिमरन को देखेंगे, अगर आप तमन्ना को देखेंगे, अगर आप काजल अग्रवाल को देखेंगे, सब पतले हैं। तो अभी आगे मूवीज को लेके आप क्या कहेंगे, मतलब मूवीज करेंगी या फिर कुछ शो ही करने वाली हैं आप? मेरा इंतजार अभी तो रिलीज हुआ है तो डन अ फैंटास्टिक रोल इन दैट। उसके बाद देखिए एज एन एक्टर इस मुकाम पे आने के बाद टेलीविजन या फिल्म्स हम सब कुछ करना चाहते हैं। और जब आप टेलीविजन करते हो, कोई फिल्म देखते हो तो ऐसा लगता है कि काश वो रोल मैं कर सकती हूँ, तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट जब आप टेलीविजन करते हो। प्रॉब्लम ये है कि फिल्म मेकर्स थोड़े से डर जाते हैं कि बड़े स्टार्स के आपके डेट्स आपके पास है, पता चला जी हम फंसे हुए कहीं और हमारी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ टेलीकास्ट इज अ बिग इश्यू। तो आप और हमारा यही मानना है कि जो रोजी रोटी चल रही है वो छोड़ के अगर आप कोई मिनिस्क्यूल रोल करने जा रहे हो फिल्मों में तो इज इट वर्थ इट? तो अनलेस कोई सब्सटैंशियली बड़ा रोल ना मिले या मतलब ऐसे बोलते ना फाड़ू रोल जिसके लिए आप एक ही सैक्रिफाइस करके दूसरे के लिए जाए, तब तक तो डेफिनेटली आई वुड नॉट लाइक टू लीव वन फॉर द अदर। बट अगर दोनों एक साथ में कर सकती हूँ जो मैं आज तक करती आ रही हूँ तो मैं डेफिनेटली फिल्म्स और टेलीविजन दोनों साथ में करती हूँ। तो स्क्रिप्ट कोई भी शो या फिर मूवीज लेते हुए आपकी क्या होती है प्रायोरिटी कि मेरे लिए मुझे कैसा रोल चाहिए? बात यह है कि किस चैनल पे है। बहुत इम्पोर्टेंट यह है कि यू हैव टू गेट द राइट रोल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट प्रपोजल, फिर भले वो कोई भी चैनल हो या कोई भी नेटवर्क हो। कि अगर फिल्म हिट होती है, अगर आप यार पार्ट ऑफ इट, फिर आप हिट हो। अब बेस्ट ऑफ द बैनर में अगर फिल्म पिट गई तो आप नहीं।